नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूड मैकेनिक्स डायनामिक्स सारा चीज़। तो स्टार्ट है ना आप लोग? फ्लूड क्या होता है? फ्लूड पानी, सही में पानी होता है। देखते हैं, फ्लूड का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, हम उसे फ्लूड कहते हैं। तो फ्लो क्या क्या कर सकता है? तो हमारे पास है वाटर, पानी बहता है ना, और क्या, ऑयल, हवा बहती है क्या? देखो तो याद करो, तो हवा बहती है ना। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, है ना, जहाँ चाहती हूँ, ऐसे कुछ कविता था ना, बहुत अच्छा। हवा बहती है ना, हवा फ्लो करता है, एयर। जैसे कि हम लोग का हनी है ना, मरकरी है ना। मरकरी क्या होता है? एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। फिर गैलियम भी हमारा एक आफ्टर 31 डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो गैलियम भी हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये भी एक मेटल है जो कि 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन इज ऑल्सो अ लिक्विड, लेकिन ये कैसा है? नॉन मेटल है ना, और ये दोनों हमारा मेटल्स होते हैं। तो ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फ्लो करते हैं, है ना, ऐसे। तो अच्छा, मतलब विच कैन फ्लो है ना, इस कॉल्ड फ्लूड। तो फ्लूड ऐसा सब्सटेंस हो गया जो कि फ्लो करता है। तो इसके पास कुछ चीज़ें होंगी, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई भी, अच्छा, फ्लूड के बारे में दो चीज़ें आप तो समझ में आ गया होगा कि फ्लूड जो है, सॉरी FLUID, फ्लूड जो है, ये हमारे पास दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस, ठीक है। और एक तीसरा सब्सटेंस है सॉलिड, जिसके बारे में हम लोग इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम लोग लिक्विड और गैस नाम के दो सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। दोनों में लगभग दोनों का बिहेवियर सेम होता है, बट लिक्विड में क्या खास है और गैस में क्या खासियत है ये समझना है। अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड के पहले कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सोडियम हो गया Na का क्लोरीन के साथ में। अगर हम NaCl का एक क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करेंगे तो NaCl का कुछ इस तरह से, इसको हम इरेज कर रहे हैं, मेटल समझ में आता ही हुआ। हाँ, इस तरह से क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करें, ध्यान समझना है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, कि ताकि आप समझ पाएँ कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो क्लियर दिमाग में आएगा। क्लोरीन है, सोडियम से कनेक्टेड है, ये वाला सोडियम से कनेक्टेड है, क्लोरीन से कनेक्टेड है, ये सोडियम से और ये क्लोरीन से, सोडियम अगेन यहाँ पर क्लोरीन से, ये क्लोरीन से, सोडियम से। तो इस तरह से करके हम लोग का सॉल्ट का एक यूनिट सेल हमको दिखता है। अब एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर समझना है दोस्तों, ये चीज़ देखना है, बहुत बहुत आसान चीज़ है कि ये जो पॉइंट हो, ये जो सॉलिड है ना, अभी हम एक नमक के सिंपल सॉल्ट बोलते हैं, एडिबल सॉल्ट जो है, इसको लेकर के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच में स्प्रिंग लाइक फोर्स होता है, ऐसे है ना, ऐसा, ये ऐसा, मतलब समझने के लिए कहना है यहां पर ये कि पूरा का पूरा सिस्टम वाइब्रेट करता है स्प्रिंग के कारण, है ना, ऐसा है कि सोडियम कभी क्लोरीन की तरफ आना चाहता है, फिर ये क्लोरीन सोडियम के पास ऐसे 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 कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो वाइब्रेशनल एनर्जी इसके पास होता है, बट सोडियम में क्या होता है कि वाइब्रेशन बहुत बहुत कम होता है ना, या फिर कोई भी सॉलिड में ये वाइब्रेशनल जो सिस्टम है, ये जो ऐसे ऐसे करेगा, वो एनर्जी कम होता है, कम हम लोग देखते हैं ये चीज़।
तो हम क्या करते हैं, अब ध्यान समझना एक अगला चीज को, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करूं, यानी कि मैं इस पे हीट दूं, तो क्या होगा कि ये वाइब्रेशन बढ़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे ज़्यादा होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मैं ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाऊं कि ये बॉन्डिंग जो है, ये जो स्प्रिंग लाइक जो फोर्स दिख रहा है बीच में, जिसको एंटी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स कहते हैं, वो फोर्स हमारा टूट जाए, ये फोर्स हमारा टूट जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्ट होने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्डिंग है ये हमारा टूट गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन थोड़ा बर्दाश्त करेगा, बोलेगा भाई मेरे को तो चाहिए, मुझे तो बॉन्ड चाहिए, है ना, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं कि अकेला बैठा रह सके। एकदम अच्छे समझना ये बात, क्लोरीन का मान लेते ये बॉन्ड टूट गया, ये क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता, इसको चाहिए बॉन्डिंग उसी टेम्परेचर पर। तो ये क्या करेगा, किसी बगल वाले सोडियम से रिएक्शन कर लेगा, तुरंत इधर से बॉन्डिंग तैयार कर लेगा। तो क्या हुआ, ये बॉन्डिंग, ये क्लोरीन, सोडियम भी नहीं चाहेगा कि हम अकेला रहें, तो ये भी कहीं अगल बगल में क्लोरीन है, इससे कोई बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि अकेला थोड़ी ना सोडियम होगा, यहाँ पर NaCl का एक केस थोड़ी ना होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, तो ये इससे वो इससे। फिर उसी तरह से थोड़ी देर के बाद ये वाला भी टूट गया, ये क्लोरीन वाला भी किसी सोडियम से यहाँ पर कनेक्टेड हो गया, ये सोडियम किसी और क्लोरीन से कनेक्टेड हो गया, अरे वैसे ये दोनों फिर इधर से क्लोरीन कनेक्टेड, मतलब ये पूरा का पूरा बिखर करके फ्लो करने लगा। तो इस फेज में क्या हो रहा है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नए बॉन्ड बन रहे हैं, ध्यान समझना ये बात, कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ये दोनों चीज हमको दिख रहा है कि ब्रेक भी हो रहा है पुराने बॉन्ड, नए बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि जितना स्पीड से पुराना बॉन्ड टूट रहा होगा, हाँ, उतना ही स्पीड से नया बॉन्ड बन रहा होगा, यानी कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ चीजें चल रही होंगी। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड स्टेट। अब मैं इस टेम्परेचर को और बढ़ाता हूँ, क्या होगा, बॉन्ड और तेजी से टूटेगा, और तेजी से नए नए बॉन्ड बनेंगे, है ना, पुराने बॉन्ड टूटते जाएंगे, नए बॉन्ड बनते जाएंगे, पुराने बॉन्ड धक 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 तोड़ते, है ना, बहुत रैपिड चलेगा। और एक समय इतना इनफ हम उसको एनर्जी दे दिए, इतना एनर्जी दे दिए कि ये जो क्लोरीन है, क्या बोले थे, ये तब तक बॉन्डिंग कर दे, इतना इसको स्टेबल रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, वो दे दे हम इसको, ये क्यों बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग करने के लिए चाह रहे हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट में रहे, है ना, तो ये एक इसके बीच में एक एनर्जी का स्टेट बना के रखना चाहता है, लेकिन हम इसको इतना एनर्जी दे दें कि तुम अकेला रहो, ठीक है। तो ये क्लोरीन फिर अब किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो क्लोरीन चुपचाप से बैठा बैठा घूम रहा है, ये सोडियम भी हवा में घूमेगा, अब कोई मतलब नहीं किसी से, सारे अगर अलग अलग हो जाएंगे, क्लोरीन यहाँ सोडियम यहाँ, है ना, सारा बॉन्डिंग खत्म। अब जो ऐसा स्टेट दिखेगा इसको, इससे कोई मतलब नहीं, बगल वाले कोई मतलब नहीं, अब कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इसके बाद हम कितनों टेम्परेचर बढ़ाएं और डिस्टेंस बढ़ेगा, और इस फेज में कोई बॉन्ड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद वो वेपर फेज में चला जाएगा, गैसियस फेज में चला जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं रहेंगे। सॉलिड में बॉन्ड फिक्स थे, लिक्विड में पुराने बॉन्ड टूट रहे थे, नए बॉन्ड बन रहे थे, गैस में कोई भी बॉन्ड अब नहीं है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, बट इतना छोटा सा चीज़ है जो आप लोग को जानना चाहिए, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस वाला जो थ्योरी है वो पुराना हो चुका है, थोड़ा आप लोग ग्रो कर चुके, थोड़ा तो बेटर तो थ्योरी आनी चाहिए, है ना। चलो पहले कॉपी करो, कुछ करने लायक है तो लिख लेते हैं पहले। तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड इज
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। और गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा, नो बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज कॉल्ड है ना गैस फेस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। कॉपी कर लो, फिर थोड़ा देर के बाद आते हैं। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी रो। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, वही तो है और कुछ तो नया है नहीं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे ओके, तो डेंसिटी बराबर हो गया मास अपॉन वॉल्यूम भी, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर का क्यूब, है ना, ये हो गया ऐसा ही वाला, है ना। और अगर हम सीजीएस के बारे में बात करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या फिर हम इसी को बोलते हैं ग्राम पर सीसी, इज दैट ओके, सेंटीमीटर क्यूब सीसी बोलते हैं इसको, सीजीएस यूनिट। इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, तो ग्राम के लिए हम लोग लिखेंगे मास बाय लेंथ का होल क्यूब, तो हो गया एम एल माइनस में 3। और ये जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, हम लोग पढ़ते तो यही है, मगर बॉडी भी दो तरह का होता है, ध्यान से समझना है। बॉडी कोई भी बॉडी दो तरह का होता है, एक होता है आइसोट्रॉपिक, है ना, आइसेंट्रॉपिक, एक होता है एनिसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसेंट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक। जस्ट वेट, आइसोट्रॉपिक होता है, नॉट आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है ना, एनिसोट्रॉपिक नाम भी हम भूल जाते हैं, कह रहा ये हमारे कुछ काम का है ना, बस छोटी सी बात है जो समझानी है मुझे। एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मतलब अगर कोई बॉडी है ना, और मैं इसे हीट करूं, है ना, तो इसमें जो एक्सपेंशन हो ये हर डायमेंशन में इक्वल होगा तो हम कहेंगे उसको आइसोट्रॉपिक। और एनिसोट्रॉपिक में एक तरफ इधर से ज़्यादा फैल गया, इधर से कम फैला, तो वैसे बॉडी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक बॉडी, क्लियर हुआ। तो यही चीज़ है हमारे पास। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आइसोट्रॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनिसोट्रॉपिक के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं फिर से, एनिसोट्रॉपिक बॉडी के बारे में, है ना, तो क्या बोलेंगे, इरेग्युलर इरेग्युलर एक्सपेंशन, है ना, और इसमें कैसा हो जाएगा, रेगुलर एक्सपेंशन इसमें होता है, क्लियर है। तो अगर हम फॉर आइसो ट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और अगर वो एनिसोट्रॉपिक हो गया तो वहाँ पर मुझे डायरेक्शंस वगैरह की बात करनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में अलग हुआ, इस तरह ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब बन जाएगा हमारा डेंसिटी, इज दैट ओके। तो चलो पहले इतना सा कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉपी पेन लेकर के, कॉपी तो कर ही रहे हो, कॉपी पेन थोड़ा घसने के लिए बैठ जाओ, बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूँ एक कंटेनर है जिसका कि जिसमें कि मैंने M1 मास लिया है रोवन वाला और M2 मास लिया है रोटू वाला, यानी कि M1 मास का डेंसिटी जो है वो रोवन है और M2 मास की डेंसिटी रोटू है, और हम इन दोनों को मिक्स कर दिए हैं और हम जानना चाहते हैं कि अभी जो कंटेनर में नया जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी डेंसिटी कितनी है। तो एकदम आसान है, छोटा सा चीज़ यहाँ पर समझना है कि जो वॉल्यूम, हमको पता है ना डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो पहली बात,
जो इसका मास m1 है और जो इसका मास m2 है, तो नेट मास कितना हो गया, है ना, टोटल मास कितना हो गया, तो हम कहेंगे m1 + m2। नेट वॉल्यूम कितना हो गया, वी टोटल कितना हो जाएगा, v1 + v2। तो भी वन कितना लिखेंगे, जब उनको मास और डेंसिटी पता है तो भी वन लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, यानी कि m1 / ρ1 और प्लस में m2 / ρ2, है ना। तो यहाँ से डेंसिटी जो मिक्सचर का आएगा वो क्या आएगा, डेंसिटी बराबर मास टोटल बाय वॉल्यूम टोटल, तो हो जाएगा m1 + m2 / m1 / ρ1 + m2 / ρ2, है ना। तो थोड़ा हम इसी को लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m/summation of m/ρ, इज दैट ओके। तो ये हो गया डेंसिटी मिक्सचर वाले का। और अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन बना दें कि इफ़ m1 = m2 = m, यानी कि दोनों का दोनों इक्वल मास का लिए हैं मगर दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, तब फिर जो डेंसिटी मिक्सचर आएगा वो कितना आएगा, हमने दोनों जगह एम एम रख लिया तो m + m2m हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो 2m/ρ हो जाएगा, सॉरी m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 1 / ρ1 + 1 / ρ2, इज इट ओके। एम से एम कट गया तो यहाँ से 2 ρ1 ρ2 / ρ1 + ρ2 हो जाएगा, और हम इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ ρ1 एंड ρ2, ठीक है। तो ये हमें मिला HM, हार्मोनिक मीन। आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा 10th में, ज्योमेट्रिक मीन जो 11th है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा, और ये एक नया टाइप का मीन निकला है, हार्मोनिक मीन, सिंपल है ओके। तो ये हो गया तब जबकि मैंने M1 को, M1 जिसकी डेंसिटी ρ1 है उसका मिक्स किया था। कॉपी कर लो पहले, इस बार मैंने भीवन वॉल्यूम का जो लिक्विड है या फिर जो भी फ्लूड है उस जिसके डेंसिटी ρ1 है उसको मैंने मिक्स कर दिया V2 के ρ2 वाले के साथ में। तो हमको डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी का वैल्यू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हमको चाहिए मास टोटल, है ना, बस इतना ही चाहिए हमको, जो है यही हमको चाहिए बस, मास टोटल। मास टोटल क्या हो जाएगा, पहले वाले का मास प्लस में दूसरे वाले का मास, तो पहले वाले का मास कितना हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि ρ1 V1 + ρ2 V2, ये हो गया मास टोटल। वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, V1 + V2, जो लिखा हुआ है ये। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा मास टोटल बाय वॉल्यूम टोटल, दोनों को लिख देंगे तो m1 ρ1 V1 + ρ2 V2 / V1 + V2, इज दैट ओके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास समेशन ऑफ ρ V / summation of V, इज दैट ओके, दैट्स योर रो मिक्सचर। अब इसी में फिर से बनाते हैं, इफ Volume 1 = Volume 2 = V, ये दोनों का दोनों इक्वल हो जाए तो डेंसिटी मिक्सचर का क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पर हम दोनों इक्वल कर लेंगे तो ρ1 + ρ2 / 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना, ρ1 + ρ2 / 2। अरे ये तो अरिथमेटिक मीन हो गया है ना, ये तो पढ़ा हुआ था हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, कॉपी करो फिर देखते हैं। अब एक छोटा सा जो हम लोग के दिमाग में बचपन से एक आइडिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है उसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और उसका मास है एम, डेंसिटी है रो, उसका वॉल्यूम है बी, और मैंने उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाएगा, और वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन होता है उसके कारण से भी फाइनल जो बनेगा हम उसको कहेंगे V initial 1 + γ∆T, क्योंकि अगर टेम्परेचर में टेम्परेचर राइज करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है ना, ये हमें पता है। हम लोग को पता है एक चीज़ और, है ना, तो राइज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम
इंक्रीज कर जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा। हमने मास को नहीं बदलने दिया है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। देखते हैं डेंसिटी में क्या हो रहा होगा, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास में वॉल्यूम। ये शुरुआती कंडीशन है, ये मतलब कि अभी कोई टी टेम्परेचर पर बात हो रही है। शुरुआत में था मान लेते हैं रो जीरो, है ना, मास तो सेम रहेगा एम बाई वी जीरो, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो एम से एम तो कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से रो बाई रो जीरो का वैल्यू आ जाएगा वी जीरो बाई वी, और वी जो है किसी टी डिग्री सेल्सियस पर वी फाइनल जो हम देख रहे हैं वो है वी इनिशियल वन प्लस में गामा इंटू डेल्टा टी। और ये जो गामा होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, है ना। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज़ करेंगे, वहाँ ही फार्मूले है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो भी के जगह पे क्या लिखेंगे, भी जीरो, ये हो गया भी जीरो वन प्लस में गामा इंटू डेल्टा टी। तो भी जीरो से भी जीरो कट गया तो हमारे पास रो का वैल्यू आ जाएगा रो जीरो वन प्लस में, वन प्लस नहीं नीचे में आ जाएगा, वन प्लस में गामा डेल्टा टी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा रो जीरो वन प्लस में गामा डेल्टा टी रेस टू द पावर माइनस वन, और फ्रॉम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद आ गया, ये इधर चला आएगा। तो रो जीरो वन माइनस में गामा डेल्टा टी, यानी कि डेंसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से घट रहा है, वन में से कुछ घट रहा है ना, तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, याद रखना इन सारी चीज़ों को, कॉपी करते जाओ, अभी बहुत सारा चीज़ दिखाना है। अब बात करते हैं राइजिंग प्रेशर का, ठीक है। हम लोग अभी जैसे पिछले वाला टॉपिक था वो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों ने कलेक्ट किया था, एक और टॉपिक है बल्क मॉडुलस, जो इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको बी बोलते हैं। मान लेते हैं कोई मटेरियल है ये, या फिर कोई भी स्फीयर या फिर कोई बॉडी है, उसके ऊपर मैंने प्रेशर का चेंज करवाया है, है ना, इससे क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर देंगे इसका वॉल्यूम घट जाएगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम में चेंज आ गया डेल्टा वी का। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है जो प्रेशर में चेंज दिए हैं उसके कारण से चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, जो इसको बोलते हैं स्ट्रेन, है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेस बाय, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। इसको याद रखना है, कोई बहुत बड़ा इलास्टिसिटी में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, अभी तो बस का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अब सोचना है ये बात कि मैं किसी सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो उसका वॉल्यूम तो घट जाएगा, है ना। तो राइज इन प्रेशर तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाना चाहिए, है ना, क्लियर है। तो हम देखना चाहते हैं उसके डेंसिटी में क्या इफेक्ट आता है, है ना। ये तो बात समझ में आ गया ना कि वॉल्यूम घट जाएगा, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। बल्क मॉडुलस के जगह पे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देख ही रहे थे, तो बल्क मॉडुलस हो गया चेंज इन प्रेशर बाय ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस है वी इनिशियल, है ना, तो वी माइनस में वी इनिशियल वी जीरो बाई वी जीरो, कोई दिक्कत है, शुरुआत में वी जीरो था उस टाइम का, तो इस चीज़ को वी जीरो को हम ऊपर भेज सकते हैं, थोड़ा हम यहाँ से इधर आ जाते हैं, तो B इक्वल टू हो गया नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर इंटू वी जीरो बाय वी माइनस है वी जीरो, इसको इधर भेज दे रहे हैं, इस चीज़ को इधर भेज दे रहे हैं, तो वी माइनस है वी जीरो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर इंटू वी जीरो बाय बल्क मॉडुलस, इज इट ओके। तो वी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को इधर भेज देते हैं, है ना, तो माइनस वाला था इधर हो गया प्लस में, तो वी जीरो माइनस में वी जीरो इंटू चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस, दैट वी इज इक्वल टू वी जीरो वन माइनस में चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस हो गया, ये हो गया इतना वॉल्यूम, इज दैट ओके। तो डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। किसी
जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया उस टाइम पर वॉल्यूम होगा कुछ भी जीरो, उस टाइम पर डेंसिटी होगा रोज, मतलब शुरुआत में जो था सॉरी उल्टा बोल गए, शुरुआती कंडीशन में रो जीरो है, मास तो एम ही है, वॉल्यूम है भी जीरो, और किसी भी समय जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो उस टाइम पर रो है और एम और भी है, मास तो सेम ही है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी बाय रो जीरो इज गिवन बाय वी जीरो बाय वी, तो ये तो दिख रहा है वी जीरो बाय वी की जगह पे मैं ये इसको पुट कर सकता हूँ, है ना, तो वी जीरो वन माइनस में चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस आ गया, ये तो कट गया, इज इट ओके, तो डेंसिटी बराबर हो गया रो जीरो ऊपर चला जाएगा, और ये चीज़ को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, वन माइनस में चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस और माइनस वन, तो डेंसिटी बराबर हो गया रो जीरो, समझ में आ गया ये कैसे हुआ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगेन, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि डेंसिटी बढ़ गया इस बार, है ना, डेंसिटी इंक्रीज कर गया, प्रेशर के इंक्रीज करने से डेंसिटी हमारा इंक्रीज कर गया, कॉपी करो, अभी तो बहुत सारे मज़े आने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा हाथ दर्द उर्द तो नहीं किया होगा, दो चार वो लाइन तो लिखा है बाबा, जल्दी कॉपी करो फिर बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी RT, ये क्या होता है, ये एक सिंपल सा एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस वो पानी से कितना गाढ़ा है, मतलब कितना डेंस है, बस इतना ही, ठीक है, समझ बात ना, मतलब ये क्या है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब क्या हो गया, इट इज अ नंबर, है ना, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इज दैट ओके, ये रिलेटिव डेंसिटी हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो गया डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय 10^3 kg/m³, तो डेंसिटी इज गिवन बाय RD मल्टीप्लाइड बाय 10^3, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम फॉर एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, मरकरी HG का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो होता है 13.6, इसका मतलब ये हुआ कि पानी से जो मरकरी है वो 13.6 times डेंसर है, गाढ़ा है, समझ रहे बात ना, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा 13.6 × 10^3, रिलेटिव डेंसिटी × 10^3, एकदम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी डेंसिटी ये भी डेंसिटी, तो ये यूनिट लेस, ब्रेन लेस, डायमेंशन लेस, इसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है ना, चलो कॉपी करो, अब बात करते हैं प्रेशर पे, जल्दी से कॉपी करो इसको, प्रेशर क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है मेरे पास, है ना, एक, है ना, एक सब्सटेंस है या फिर एक सरफेस है, मैं इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, इस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट, तो थ्रस्ट जिस एरिया पर लग रहा है ना, थ्रस्ट किसी एरिया पर तो लग ही रहा होगा, ऐसा कुछ एरिया होगा, है ना, इसमें बहुत सारे थ्रस्ट लग रहे हैं, थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है, तो ये किसी एरिया पर तो लग रहा है, तो इस एरिया पर क्या कर रहा होगा, ये एक प्रेशर जेनरेट कर रहा होगा, तो प्रेशर बराबर होता है ना, ये होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना, तो प्रेशर पी बराबर हो गया थ्रस्ट मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को देखेंगे एफ बाय ए, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर में इसका यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं SI वाला, है ना, कौन सा वाला, SI यूनिट के बारे में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग पास्कल बोलते हैं, है ना, 1 पा,
याद है एक मूवी आई थी पा, अमिताभ बच्चन और कौन था उसमें, हाँ अभिषेक बच्चन, पा है ना, 1 पास्कल। ठीक है, एक और यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये भी होता है, तो ये होता है 1 ATM। ठीक है, ATM का यूज करते हैं, तो 1 ATM का बराबर होता है 1.01293 × 10^5 पास्कल। ठीक है, इसको याद रखना है, ये नहीं सोचना कि हम ऐसे हवाबाजी मार दी है, हमको जैसे याद है आप लोग को भी याद रहना चाहिए। कितना है इसका वैल्यू, 1.01293 × 10^5 पास्कल। ठीक है, तो ट्राई करना है, ज़्यादा नहीं, 1.013 तक भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन याद तो रखना है ना। कितना तक तो याद रखना है, लगभग हम लोग को याद रखना है इसको 1.013 × 10^5 पास्कल तक तो याद रखना है, कोई दिक्कत है, ये निकालने हम बताएंगे आगे जा करके। ये 1 ATM हो गया, जिसका वैल्यू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ बैरोमेट्रिक है ना, बैरोमेट्रिक मरकरी हाइट, मरकरी हाइट। एक एक चीज़ को कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है पूरे अच्छे से, जिसको कि हम लोग 760 मिलीमीटर ऑफ बैरोमेट्रिक मरकरी हाइट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 10.33 मीटर ऑफ बैरोमेट्रिक है ना, या फिर वाटर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक तो था, बैरोमेट्रिक वाटर हाइट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर के बुक अक्सर लिखता है 10.3 मीटर या 10 ही मीटर लिखेगा, ठीक है, तो वाटर हाइट के बराबर, ये सारे के सारी चीज़ें 1 ATM के बराबर होती है, और 1 ATM इतना पास्कल के बराबर होता है, दिमाग बैठ जाना चाहिए सारी चीज़ें। चलो जल्दी से इस सारी चीज़ों को पहले कॉपी करो, ठीक है, और यही है। अच्छा एक चीज़ और, इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट तो समझ में आ गया, सॉरी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा इसका, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो न्यूटन के लिए लिखते हैं हम लोग mL(t−2)/L² तो क्या हो गया यहाँ से, mL−1(t)·−2, ये हो गया हमारा डायमेंशन। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो फिर आगे बात करते ही। प्रेशर का जो एक्चुअली में डेफिनेशन होता है वो ये होता है, इससे हमको समझ में आएगा कि एक कैसा क्वांटिटी वगैरह है। तो प्रेशर जो होता है वो बेसिकली फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ एरिया वेक्टर होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब दो वेक्टर का, सॉरी क्या लिखती है उल्टा, फोर्स जो होता है वो होता है प्रेशर वेक्टर डॉट ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, ये ठीक है, तो दोनों का डॉट करवा देंगे यहाँ से, और जो प्रेशर है ये एक स्केलर नंबर है ना, ये कैसा नंबर है, स्केलर एक नंबर है, प्रेशर सिर्फ एक नंबर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और एरिया इसका नाम है एरिया वेक्टर, और ये हमारा हो गया फोर्स वेक्टर, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं फोर्स वेक्टर है ये। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर हमारा, क्योंकि हम इससे अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक वेक्टर ही मिल रहा है तो डॉट तो करवाएंगे अगर, तो एक स्केलर क्वांटिटी ही आता है। अभी एरिया वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि मैंने एक सिंपल सा एक एरिया बनाया, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है ना, ऐसे इस एरिया के परपेंडिकुलर जो बना हम उसको एरिया वेक्टर कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका जो एरिया आएगा वो एरिया इनटू ए का कैप हो जाएगा, ए कैप इस डायरेक्शन में, अरे बस समझ, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। इसका जाकर के आगे में हम लोग बहुत सारी बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, अभी तो बस इतना ही है यहाँ पर। तो प्रेशर का वैल्यू हो गया फोर्स बाई एरिया। अब दो तीन चीज़ के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, कि वेट क्या होता है, एक एक चीज़ को ध्यान समझना है, वेट W बराबर मास इनटू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो वेट का डेफिनेशन याद रखना है, फॉर्मूला जो एम जी होता है उसको थोड़ा बगल से दिमाग में रखना है, रो भी जी भी होता है। क्या होता है? रो भी जी, है ना, कोई दिक्कत है? फिर सेकेंड है हमारे पास इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स एफ बराबर क्या होता है एम ए, है ना, यही ना, इसे बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। तो मास बराबर जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए, ये हो गया इनर्शियल फोर्स। कोई दिक्कत है? ये दो चीज़ समझ में आना चाहिए। अब जो हम बात करने वाले हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं, एकदम ध्यान समझना ये चीज़ों को, ये वाला, अगर मान लेते हैं ये कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर में मैंने इतना सा पानी फिल किया हुआ है, कितना एच हाइट तक पानी फिल किया हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं इसके बॉटम पर इस पोजीशन पे कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पर प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, ठीक है। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा ये पूरा पानी जितना इसके ऊपर वेट लगा रहा होगा, है ना, ऐसे करके एक वेट लगा रहा होगा, और जो इसका एरिया होगा ए, है ना। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स यानी कि वेट बाय एरिया। और वेट क्या होता है? रो भी जी। क्या होता है? रो भी जी बाय एरिया, ठीक है। दैट प्रेशर डेंसिटी वॉल्यूम के जगह पे क्या लिखेंगे? बेस एरिया इंटू हाइट एच इंटू जी बाय ए। तो दैट योर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया? रो जी एच। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट नॉट अपॉन एरिया, याद रखना है, ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट नॉट ऑन बेस एरिया, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसमें मैंने, है ना, इसको जमीन पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इस हाइट तक मैंने इसे पानी भर दिया हुआ है। एक और कोई कोनिकल फ्लास्क है ये ऐसे, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ, कहाँ तक? यहाँ तक पानी भर दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है? कोनिकल फ्लास्क। उसी तरह से कोई एक घड़ा हो सकता है कुछ ऐसा, है ना, ऐसा होता है ना घड़ा, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ तक पानी भर दिया हुआ है, ठीक है। एक और किसी ने कुछ एस शेप का एकदम ऐसा बना करके हमको दिया हुआ है, और इसमें भी मैंने यहाँ तक पानी भर दिया हुआ है, और मुझे जानना है कि ए पॉइंट पर कितना प्रेशर है, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है, सी पॉइंट तक कितना प्रेशर है, डी पॉइंट पर कितना प्रेशर है, जबकि इसका हाइट जो है वो एच ही है, ठीक है। तो प्रेशर एट ए कितना होगा? ड्यू टू वाटर ओनली, है ना, ड्यू टू वाटर ओनली। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा हम उसको कहेंगे पी ए, जिसका वैल्यू हो जाएगा रो जी और एच। एरिया के बात भी नहीं की है, क्या यही होगा प्रेशर एट बी? क्या हाइट पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर कोई मतलब, कितना ब्रॉड है कितना नैरो है इसे कोई मतलब, हाँ प्रेशर सेम है, फोर्स सेम नहीं है, याद रखना ये बात कि फोर्स यहाँ पर एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा इन दिस केस फ्रॉम दिस केस फ्रॉम दिस केस, ओके। जितना नैरोवर एरिया होगा वहाँ पर हम प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा देखेंगे, लेकिन अगर प्रेशर सेम है तो फोर्स देख लो क्या हो जाएगा, है ना,
फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना अधिक फोर्स। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, तो फोर्स हर जगह, यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, यहाँ पर बहुत कम होगा फोर्स, क्योंकि सेम प्रेशर लग रहा है। पी सी और पी डी हर जगह सेम आने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो ठीक, कॉपी करो पहले इसको, फिर बात करते हैं छोटा स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टॉपिक में बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है, सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो थोड़ा हम आज ट्राई कर रहे हैं कि सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स जो आसान आसान वाले हैं उन सबको मैं निकाल दूँ, ताकि अच्छे अच्छे चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर बात हो, और दो तीन वीडियो में ये टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद विस्कोसिटी वगैरह उसके बारे में बात करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू, नाम है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, है ना? ये क्या है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, है ना? बस यही है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग एट एन टी पी पी जीरो डिनोट करते हैं, कब करते हैं? एन टी पी पर, है ना? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए पी जीरो डिपेंड करते हैं इसको, और इसका जो वैल्यू होता है 1 atm का वैल्यू वो होता है, अभी हम लोग लिखे थे 1.01293 × 10⁵ पास्कल, ठीक है? और इसको पी जीरो नोट करते हैं, है ना? एक छोटा सा अदर भी यूनिट है प्रेशर का, उसके कारण भी बात ही कर लेते हैं, अदर यूनिट भी है ना, जैसे बार, ठीक है? तो 1 atm का वैल्यू होता है 1.01293 bar, ठीक है? आसान हो गया, मतलब कि 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 bar। दिखा नहीं दिखा? मतलब हो गया 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है? ये जो था इसको हटा करने के बाद ये जो दिख रहा है यही हमारा बार है, ठीक है? एक और यूनिट भी है हमारे पास, 1 atm का वैल्यू 760 torr भी होता है, ठीक है? तो वो 760 mm ऑफ Hg जो है उसी को बोलते हैं torr भी, ठीक है? ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन समझ में आ गया कि 760 mm ऑफ Hg को ही ना बोलते हैं 1 atm, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी हाइट को हम लोग बोलते हैं, ये जो चीज़ है यही हमारा टॉर है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब इसके बाद अगर हम प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम को ही बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है? तो कहीं पर अगर मैं बोलूं कि इस कंटेनर में ए पोजीशन पर यहाँ पर वाटर कॉलम है भी, तब यहाँ पर कितना प्रेशर है, तो हम कहेंगे कि हवा भी तो प्रेशर लगा रहा हो ऊपर से, उसकी वैल्यू हो जाएगी पी ज़ीरो। हवा कितना प्रेशर लगा रहा है? पी ज़ीरो। और ये पूरा वाटर कॉलम के कारण यहाँ पर प्रेशर कितना है? रो जी एच, है ना? तो नेट प्रेशर कितना आ जाएगा? पी जीरो प्लस में रो जी एच, है ना? तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गॉज प्रेशर प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पी जीरो लिख दिए, प्लस में गॉज प्रेशर रो जी एच। इस पर हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा बात करने वाले हैं। आप लोग बस नहा धोवा के तैयार होकर के एकदम बैठ जाना, एकदम फिर तो पूरा का पूरा फ्लूट 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 हो जाएगा एकदम, है ना? तो इसलिए मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है? और अभी से आप लोग देखो, लाइक करो थोड़ा वीडियो को।